नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी इस वक्त मुश्किल में हैं, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी पत्नी ने उन पर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सवाल ये कि बैठकर भी बातचीत हो सकती थी या फिर मीडिया के द्वारा उनके क्रिकेट को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाला जा रहा है। और इसका पहला झटका तो बीसीसीआई ने दे भी दिया। अब इस पर जनता जनार्दन यानी शमी के फैंस का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। जी, मोहम्मद शमी पर जो उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक सच और झूठ का पता नहीं चलेगा। इसलिए एक बार जांच जरूर होनी चाहिए। ये बात तो सही है, क्योंकि जो भी आपसी मसला है उसे आपस में निपटाना चाहिए और मीडिया में ऐसे ये बात नहीं फैलानी चाहिए। अपने आपस में उनको ये बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस बात से करियर पर थोड़ा असर तो पड़ेगा, लेकिन जो भी बात है जब जाँच हो जाएगी, सच और झूठ का जब पता चलेगा, तो शायद ये बात वहीं पर शांत हो जाएगी, तो करियर पे इतना कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब फैंस उनसे जुड़े हुए हैं। फैंस को भी पता है क्या सही है क्या गलत है। मोहम्मद शमी के बारे में जिस तरह से उनकी वाइफ ने मीडिया के सामने कहा है कि उनके पति के काफ़ी औरतों के साथ नाजायज संबंध है, तो ये बहुत गलत आरोप लगाया है, क्योंकि मोहम्मद शमी भारतीय टीम के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और बहुत बड़े बॉलर भी हैं। उन्होंने काफ़ी मैच जिताए हैं टीम इंडिया को, तो मोहम्मद शमी की वाइफ को ये मसला घर पर बैठकर सुलझाना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने किया है, तो मोहम्मद शमी के करियर पर भी काफ़ी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और जिस तरह से बीसीसीआई अपना अगला कदम उठाएगी, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी के करियर पर भी सवाल उठ सकते हैं। मेरा तो यही मानना है, अगर मोहम्मद शमी की वाइफ उनसे नाराज़ है या कोई उन्हें लगा कि ऐसा कुछ गलत काम हो रहा है, तो उन्हें मीडिया के सामने नहीं, ये मसला घर पर बैठकर सुलझाना चाहिए था। मोहम्मद शमी की पत्नी ने जो ये उन पर जान से मारने की धमकी और मारपीट के आरोप लगाए हैं, वो मेरे को लगता है शायद गलत होंगे। वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने बताया वो धर्मशाला से वापस आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि मेरी ऐसी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो होली पे अभी अपनी फैमिली के साथ ही थे। जब उन्होंने देखा कि वो अपनी फैमिली के साथ है, हमने उनकी फ़ोटोज़ भी देखी हैं फेसबुक पे, एक दो फ़ोटोज़ भी उन्होंने घेरी थी, तो मैं उनका वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने उनकी सारी फ़ोटोज़ भी देखी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मोहम्मद शमी ऐसा करें। हाँ, वो कह रही है कि वो बाहर गए तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा काम किया है, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। और अगर जो ऐसा कुछ हुआ भी है, तो वो आपस में बैठ के घर में बैठ के अपनी बातचीत ख़त्म कर देनी चाहिए। ऐसे बाहर मीडिया में आके या उनकी इज्जत को और अपनी इज्जत को उछाल के वो कुछ मेरे को लगता नहीं कि अच्छी बात है। और बीसीसीआई ने उन्हें अभी ए ग्रेड में नाम से भी निकाल दिया है, तो उनके करियर पर तो ये थोड़ा ज़्यादा लांछन लग ही गया है। तो अब यही हो सकता है कि आपस में बैठ के उस चीज़ को सुलझा लिया जाए और शमी के करियर को भी बचा लिया जाए। वाकई आपने सुना क्या कुछ कहना है उनके फैंस का। आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब पहला झटका लग चुका है, ग्रेड सिस्टम से उनको हटा दिया है, अब कहीं ना कहीं मुश्किल में तो हैं मोहम्मद शमी। आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरीके से मीडिया में आना चाहिए था उनकी पत्नी को, या फिर आपको क्या लगता है क्या शमी ने ऐसा कुछ किया है? आप अपनी राय दीजिए, कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सअप पर अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली रिपोर्ट में। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।